जैसे कि दोस्तों हुंडई क्रेटा की नई 7-सीटर कार बाजार में आने को है अब पूरी तरीके से तैयार। कुछ ऐसे होंगे फीचर्स, जानते हैं कीमत के बारे में, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आप कोई भी पार्ट मिस ना कर पाए। दोस्तों नई गाड़ी के फ्रंट लुक में भी बदलाव किए गए हैं। इसमें क्रोम के साथ साथ अलग डिजाइन की ग्रिल देखने को आप सभी को मिलेगी। 7-सीटर एसयूवी में आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर भी दिया जाएगा। वहीं तीसरी लाइनअप की सीट के लिए रियर ओवरहेड जो कि 5-सीटर मॉडल के मुकाबले काफ़ी बड़ा होगा। इसमें सी शेप के आपको LED हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे और टेल लाइट भी देखने को मिलेगी। और दोस्तों इस गाड़ी के फ्रंट लुक में भी बदलाव अब आपको देखने को मिलेंगे। इसमें क्रोम के साथ अलग डिज़ाइन वाले ग्रिल का इस्तेमाल किया गया है। 7-सीटर एसयूवी में आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर की भी अब सुविधा देखने को मिलेगी। वहीं तीसरी लाइनअप की सीट के लिए रियर ओवरहेड है जो 5-सीटर मॉडल से काफ़ी लंबा रखा गया है। इसमें सी शेप के बैक लाइट के साथ आपको अलग डिज़ाइन के बड़े टेल लाइट्स भी देखने को मिलेंगे। साथ ही 7-सीटर क्रेटा के रूफ रिल और शार्क फिनिशिंग वाले एंटीना को भी शामिल किया गया है। और जानकारी के मुताबिक भारतीय बाजार में हुंडई क्रेटा को 7-सीटर वेरिएंट के साथ 2020 में जुलाई के महीने में हम सभी के लिए मार्केट में लाया जा सकता है। बाजार में इसकी टक्कर MG हेक्टर प्लस से होगी और साथ ही साथ टाटा की ग्रेविटी से भी हो सकती है। इस कार का नया लुक काफ़ी आकर्षित लोगों को कर रहा है। दोस्तों इंजन की बात करें तो हुंडई की नई क्रेटा 7-सीटर के अंदर हम सभी को 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर का ही डीजल इंजन और साथ ही साथ 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन देखने को मिल सकता है। जानकारी के मुताबिक दोस्तों भारतीय बाजार से पहले ही हुंडई क्रेटा के 7-सीटर वेरिएंट को कई अन्य देशों में बाहर लॉन्च ऑलरेडी किया जा चुका है। इंटरनेशनल मार्केट में बिकने वाली इस एसयूवी में 1.6 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन शामिल है और साथ ही साथ 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन के साथ ये मार्केट में उतारी गई है। बताया जा रहा है कि इस नई क्रेटा में वही इंजन दिए गए हैं जो कि 5-सीटर मॉडल में हम सभी को अभी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि क्रेटा के चाहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इस कार को 7-सीटर वेरिएंट के साथ अब भारतीय बाजार में भी जुलाई के महीने में हुंडई अब लॉन्च कर सकती है। बाकी दोस्तों अगर आपको ये SUV पसंद आई तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को एक लाइक करें बिना बिल्कुल मत जाइएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सभी को रोज़ाना इसी तरीके की वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहे। सबसे पहले मिलेंगे दोस्तों हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।